तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने फ़ोन पे अकाउंट को डिलीट करने के लिए, एंड दोस्तों जो आपका फ़ोन पे अकाउंट हो कैसे डिलीट होगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से आप अपने फ़ोन पे अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, बल्कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना होगा। देन उसके बाद सिंपल आपको सर्च बार में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर फोन पे लिखकर सर्च कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही फोन पे लिखकर सर्च करते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलता है फोन पे एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इधर से चेक कर लेना है प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन का अपडेट। अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी फोन पे एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया होगा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आप दोस्तों प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन का अपडेट आया एंड अगर आप अपडेट ना करते हो तो क्या पता दोस्तों जो आपका फोन पे अकाउंट हो डिलीट ना हो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट चेक कर लेना होगा। अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है। अब उसके बाद सिंपल दोस्तों आपको ओपन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। अब रही बात दोस्तों कि आपको कैसे आपको अपने अकाउंट डिलीट करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों मैं जो आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ एंड अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों जो आपका फोन पे अकाउंट है वो दोस्तों हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपल दोस्तों आपको इस क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि प्रोफाइल है पेमेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्रोफाइल है पेमेंट्स। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि माई फोन पे प्रोफाइल। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, माई फोन पे अकाउंट डिटेल्स, माई सेव्ड एड्रेस, KYC। तो अब दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि माई फोन पे अकाउंट डिटेल्स। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगेन फिर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि कैन आई चेंज माई फोन पे मोबाइल नंबर। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलता है रिलेटेड क्वेश्चन एंड उसके नीचे ही देखने को मिलता है कैन आई डिलीट माई फोन पे अकाउंट। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको दोस्तों देखने को मिलता है, जैसे कि कैन आई डिलीट माय फोन पे अकाउंट। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसको रीड करने के लिए तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको हेयर पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब फिर से आपको आई वेंट टू चेंज माई फोन पे मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद अभी आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो इसको रीड करने के लिए तो आप इसको रीड भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको डीएक्टिवेट फोन पे अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में दोस्तों आप इधर से चैट करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आपको इधर से फोन पे का जो एजेंट रहते हैं वो आपसे इधर से चैटिंग करेंगे आपसे, तो दोस्तों आपको इधर से चैटिंग कर लेना होगा। अब दोस्तों आपको इधर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं चाहता हूँ इंग्लिश में बात करने के लिए तो सिंपल हम इंग्लिश पर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं दोस्तों हिंदी में बात करने के लिए तो आप हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले। अब दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिले थे, जैसे कि डीएक्टिवेट माई अकाउंट और एक आपको डोंट डीएक्टिवेट माई अकाउंट। तो वैसे दोस्तों मुझे अभी फोन पे अकाउंट वो डिलीट नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं डिलीट करने के लिए तो सिंपल आपको डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको 24 घंटे आपको वेट कर लेना होगा। एंड दोस्तों ये नहीं है कि दोस्तों आपका अकाउंट 24 घंटे के बाद ही डिलीट होगा, दोस्तों उससे पहले भी आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, जैसे कि डीएक्टिवेट माई अकाउंट। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों और कोई अगर प्रोसेस रहेगा तो दोस्तों आपको बताया जाएगा, इधर ही दोस्तों आपको बताया जाएगा। एंड दोस्तों उसको आपको फॉलो करना होगा। देन जैसे आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों जो आपका फोन पे अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों जो आपका फोन पे अकाउंट है वो डिलीट होने में 24 घंटे का समय भी लग सकता है, तो दोस्तों आपको वेट कर लेना होगा। देन इतना जैसे आप दोस्तों कर लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे कि डीएक्टिवेट माई अकाउंट, एंड उसके बाद दोस्तों आपको जैसे बैक आ जाना होगा। जैसे आप दोस्तों बैक आते हैं उसके बाद दोस्तों फिर से आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को कर लेना होगा ओपन।
अब दोस्तों जो आपका अकाउंट है उसे रिव्यू किया जाएगा, आपको वेट कर लेना होगा। दोस्तों आपका जो अकाउंट है इसलिए रिव्यू करेंगे कि अगर आपका फोन पे वॉलेट में कुछ पैसा होगा, या फिर दोस्तों अगर आप कहीं भी अगर आप गोल्ड परचेस किए हैं तो आपको अगर पैसा चाहिए तो दोस्तों आपको उसे कैसे निकालना होगा, ये सब दोस्तों वो बताएंगे। एंड दोस्तों आप जैसे इतना फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों जो आपका फोन पे अकाउंट है वो दोस्तों आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बनाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।